सभी को गोली लगती है और ईशान भी घायल तो होता है, पर अब ईशान अपनी पत्नी सभी को गोद में उठाए लेकर आता है भोसले घर, जहां शादी की तैयारी की रंगोली पर पानी डाला हुआ है। पर अब ईशान उसी रंगीन पानी में पैर रखते हुए गृह प्रवेश करता है एक घायल सभी के साथ, और अब शिखा और अस्मिता इसको एक शुभ संकेत की तरह लेती हैं। पर पीछे पीछे तो और कोई भी आया है, और वो है रीवा अपना लगेज लिए। पर अब जब ईशान को सभी को अपने गोद में उठाए देखती है तो उसे ये सहन नहीं होता कि आखिर ईशान ऐसे कैसे कर सकता है उसके साथ। पर अब जो सुरेखा अब तक ईशान के लिए परेशान हो रही थी, अब अपने सामने ईशान और सभी को एक साथ देखती है, और बस यशवंत और निशिकांत भी ईशान को खून के हाल में देख चौंक जाते हैं। पर क्या ईशान को पता चलेगा कि सभी को इस कदर चोट पहुंचाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका ही परिवार है? तब आगे वो क्या करेगा, देखते रहिए हमें किसी के प्यार में। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं अपने ईशान को खुद ही लाऊंगी। छाप भले ही ईशान के पैर के हो, लेकिन गृह प्रवेश सभी का हुआ है।